नमस्कार, आइए साथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुँच कर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली पर बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, बुद्धि की उंगली, धन की उंगली, सही निर्णय की उंगली। और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ज्ञान के हिसाब से तो किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। सही रूप से आप निर्णय भी लेते हैं, सही सोच भी रखते हैं, बुद्धि की भी उत्तम क्वालिटी आपके पास में है। परंतु ये सबसे नीचे वाला पर्व इस समय पर इसको धन पर्व का ही रूप दिया जाएगा और यहाँ पर ये ग्रहण लगा हुआ है। जब इस प्रकार का ग्रहण लगा हुआ होता है तो व्यक्ति के जीवन में अभी इस समय वर्तमान में ये रेखाएं जब तक हाथ में बनी रहेंगी, जब तक आप पर धन का ग्रहण लगा रहेगा, यहाँ पर दर्शाती हुई इस बात को रेखा। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ पर सूर्य पर्व। सूर्य पर्व और सूर्य पर्व का जो माना जाता है वो यश के लिए जाना जाता है, ऊंचाई के लिए जाना जाता है, आत्मा के लिए जाना जाता है। और यहाँ के नीचे वाली उंगली बॉल जैसी मोटी है, यानी परिवार से तो आप मजबूती के साथ हैं। कुल मिलाकर के जो नीचे वाला पर्व है उस पर भी कट के निशान मौजूद है। यानी अगर अपने आप में कहूँ तो ये अपने आप में रोगों के सिंबल के लिए जाना जाता है, आत्मा पर वजन के लिए जाना जाता है इस प्रकार का ये चिन्ह। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर कुछ टेढ़ी होकर के जा रही है, जो इस बात को बताती है शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी जब जब आपके जीवन में आएंगी आपका मोटा धन इन्वेस्टमेंट होगा, साथ ही साथ रोग आपको बहुत परेशान करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ बृहस्पति की उंगली की। ये बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्न लेकर के यहाँ चली गई है शनि की तरफ। जब इस प्रकार का टर्न ज़्यादा होता है तो ईश्वर के प्रति आस्था तो व्यक्ति की मजबूती के साथ होती ही होती है, परंतु अधिक धन होने के बाद भी धन का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कुल मिलाकर के धन के आगमन को ठीक है, लोगों से आप प्रेम भी करते हैं, सबको अपने साथ लेकर के भी चलते हैं, अपने बड़ों का सम्मान भी करते हैं। आइए बात कर लेता हूँ आपके एक और पर्व की। बहुत बढ़िया रेखा आपके बुध पर्वत पर मिली। इतनी सारी रेखाएं बुध पर्वत पर हर व्यक्ति को नहीं मिलती हैं। यहाँ अगर चार रेखाएं हो जाती हैं तो व्यक्ति अपने आप में डॉक्टर हो जाता है। डॉक्टर से मेरा मतलब है PhD हो जाता है, बहुत ज्ञानी होता है, उसके निर्णय इतने लाजवाब होते हैं कि धन के आगमन उसके पास जबरदस्त रूप से खड़े हो जाते हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। आइए बात कर लेते हैं आपके सूर्य का पर्व की। ये सूर्य का पर्व और एकदम सूख करके एकदम नीचे चला गया, ये अपने आप में बहुत ख़राब सिंबल होता है। हाथ के अंदर खड़ी हुई रेखाएं जहां इस प्रकार को दिलाती हैं कि सरकार से आपको सम्मान मिलेगा, आपको ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, लेकिन ये हमेशा से इतने गड्ढे में आपका पर्वत नहीं रहा होगा। ये जितना ज़्यादा सूखता जाएगा उतना आपको हड्डियों के रोग देगा, आपको हृदय के रोग देगा, आपको आँखों के रोग देगा, आपके शरीर में रोग देगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा सिंबल होने के बाद भी खराब इसलिए हो गया क्योंकि ये एकदम से धस गया। अब बात करता हूँ आपके शनि पर्व की। ईश्वर कृपा है, आपको बहुत बड़ी बीमारी का सामना आपने किया आपके जीवन के अंतर्गत, परंतु उसके बाद भी यहाँ पर आपके पास अच्छी रेखाएँ ये खड़ी हुई हैं जो आपके पास धन के आगमन को लगातार बनाए रखेंगी। पर्वत सूख करके एकदम नीचे दब गया है, यानी वही बात यहाँ भी आ गई कि आपके पास जब तक ये ज़्यादा दबा रहेगा और ज़्यादा ना दबे, मैं ईश्वर से चाहूँगा तो ये धन का इन्वेस्टमेंट आपके जीवन के अंदर लगाए रखेगा। आइए बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व पर ये सर्जरी साइन आगे की तरफ और यहाँ इस प्रकार से ये जो रेखाएँ हैं यहाँ पर जाकर के जब यहाँ पर देखते हैं तो इनको कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर जो संपत्तियाँ हैं वो तो कई संपत्तियाँ आपके पास होंगी इस प्रकार को दर्शाने वाला पर्व। परंतु बृहस्पति जो जाना जाता है उसको एक खान पान के विषय में भी जानते हैं। जहाँ बृहस्पति ज्ञान के लिए जाता रहता है तो वहीं खान पान के लिए भी जाना पाता है। तो यहाँ इस प्रकार का दबा हुआ बृहस्पति पर्व यहाँ पर भी है जो खान पान संबंधी रोगों, यानी पहले हो सकता है कि आपका वेट काफ़ी अच्छा रहा हो और आपको खान पान का बहुत ज़्यादा शौक हो,
तो उस प्रकार की प्रवृत्तियों की वजह से भी रोगों का सामना आपको करना पड़ा। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा पर लगातार यहाँ पर एक तरीके से लेकर के और यहाँ बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि जीवन के 62वें वर्ष तक बहुत आपके जीवन के अंदर ये यहाँ पर एक तरह के छोटे छोटे से गिरने वाले त्रिभुज, यानी यहाँ त्रिभुज इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये बेल रूप में आकर के बने हैं। इनको हमारी भाषा में बोलते हैं सर्जरी साइन या कह दीजिए कि संकट के साइन। तो कुल मिलाकर के आप अपनी ऐसा ही नहीं केवल आप जो है अपने जीवन के अंदर कैलेस्ट्रॉल है, शुगर है, इस तरह की बीमारियों के भी संकेत को दर्शाने वाली यहाँ पर स्थितियाँ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के ये 62 वर्ष तक बहुत ही टिपिकल रूप से विराजमान है। इसके बाद ये अनुकूलता के साथ चल रही हैं। अब बात करूँगा मैं आपकी इसके बाद में यहाँ पर आपकी मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर जाकर के यहाँ एक रेखा और यहाँ पर ये सर्जरी साइन, साथ ही साथ यहाँ पर भी अगर नीचे देखें तो यहाँ पर भी एक सर्जरी साइन है और ये मंगल पर्वत से इतनी गहराई के साथ जो ये रेखा आ रही है ये भी व्यक्ति के जीवन में सर्जरी का काम ही करती है। साहसिक रेखाएं बीच में हैं लेकिन पर्वत उठा हुआ दबा हुआ, उठा हुआ दबा हुआ, यहाँ इस प्रकार का संबंध बना हुआ है। एक ये सर्जरी का साइन मैंने आपके आयु रेखा पर बनाया है। इसको ये आपके 2019 में जो आपका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है ये उसके लिए सर्जरी साइन यहाँ पर बना हुआ है। तो ये आपके उस समय के लिए, आगे बात करूँगा बाद में इसके बारे में। तो यहाँ कुल मिलाकर के मंगल पर्व का उठना गिरना, कभी साहस का बनना, कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम निराश हो जाते हैं अपने जीवन के अंदर, इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाला यहाँ पर ये चिन्ह है। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपकी मंगल पर्वत यहाँ ठीक है। आइए बात करता हूँ आपके पास एक बेहतरीन रेखा जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा मंगल रेखा से निकल करके एकदम अलग से बुद्धि रेखा चली है। ऐसे व्यक्ति ने अपने युवा अवस्था में ही बिल्कुल हट करके कुछ नई योजनाओं के साथ अपने जीवन का उदय किया, यानी कुल मिलाकर मैं कहूँ तो ये एक अपने आप से एक नया उदय, नई सोच अगर व्यक्ति को थोड़ा सा जिद्दी प्रवृत्ति का बनाती है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा कुछ ज़्यादा सीधी है, यानी अपनी चीज़ पर अड़ जाना और अड़ करके उसे सिद्ध करने वाली प्रवृत्ति आपके पास में रही है, जिसने आपके जीवन के अंतर्गत आपको काफ़ी अच्छे धन के समागम भी आपके जीवन में बनाए हैं। अब बात करूँगा, यहाँ मैंने हृदय रेखा देखी और ये दो एक्स के चिन्ह, बड़े चिन्ह भी यहाँ आपको निकलाते हैं। ये बड़े अच्छे चिन्ह नहीं है, एक एक्स का चिन्ह यहाँ भी है। ऐसा तक की स्थिति भी आपके जीवन में आ सकती होगी या आई होगी कि पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद तलाक की स्थितियों तक पहुंच गए होंगे। तो ऐसी स्थितियों को भी दर्शाने वाले यहाँ पर ये अशुभ रेखाएं विराजमान है। चलिए ये आपका मैंने देखा। अब बात करता हूँ मंगल पर्वत पर एक यहाँ पर बने हुए एक अशुभ चिन्ह की। इसको भी मैं अगर कहूँ तो ये भी अपने आप में ये इस प्रकार का चिन्ह जब व्यक्ति के जीवन के अंदर होता है तो व्यक्ति के जीवन में यहाँ मुकदमों का, झगड़ों का सामना भी करना होता है, परंतु दो खड़ी रेखाएं हैं जो उनसे विजयी प्राप्त करवाती हैं। तो चलिए ये भी मैंने आपको बताया। अब बात करता हूँ यह मंगल पर्व का इन्वॉल्वमेंट इस प्रकार को बताता है। अब बात करेंगे हम आपके चंद्र पर्वत की। नीचे का चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से दीप बना करके चलती हुई ये रेखा और सीधी सीधी जा करके यहाँ आपकी अगर मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर आयु रेखा के साथ संपर्क किया, यानी आदमी चंद्र पर्वत से जब निकलती हैं रेखाएं, साथ ही साथ एक्स के चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ अपने आप में टेंशन वाले चिन्ह बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पर विराजमान हैं वर्तमान में। तो ये गहरे नहीं हैं लेकिन ये मिलाकर के जो रेखाएं नीचे की तरफ से हैं तो ये भी सब की सब आपको दूर स्थानों से जोड़ करके धन के आगमन भी बना रही हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसी सहयोगी रेखाएँ भी हैं तो ऐसे बीमारी के संकेत के रूप भी यहाँ पर विराजमान हैं। अब बात करूँगा आपकी सीधे सीधे मैं यहाँ जाकर के आपकी भाग्य रेखा, पहले व्यापारिक रेखा देख लेते हैं। व्यापारिक रेखा और यहाँ मंगल पर्वत से शुक्र पर्वत से इन्वॉल्वमेंट जाकर के और व्यापारी रेखाओं का निकला। व्यक्ति कई बार जो अपने जीवन के अंदर अपनी पत्नी के सहयोग से भी अच्छा खासा धन प्राप्त करता है, मंगल का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, तो साहस के द्वारा भी और दूर स्थानों से जुड़ कर के धन कमाने के योग को दिखनाने वाली ये शुक्र पर्वत से जो रेखा निकली है, साथ ही साथ बुध से इसका संपर्क है, आपके पास लग्जीरियस जीवन की जितने भी पहलू होते हैं वो सारे के सारे आपके पास मौजूद रहे होंगे।
इसमें कोई भी शक नहीं है। तो चलिए ये हो गई आपकी। अब बात करते हैं एक बहुत अच्छी रेखा की, जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। अगर जीवन के अंदर आदमी के पास भाग्य रेखा नहीं होती अच्छी, तो धन व्यक्ति के पास नहीं होता। दूर स्थानों से निकल करके ये भाग्य रेखा आपके जीवन में 35वें वर्ष के तक अच्छी गई। उसके बाद 35 के बाद में आपने दूसरा व्यापार और शुरू कर दिया, और साथ ही साथ ये आपके जीवन में जो रेखा एक नीचे से निकली हुई है, यहाँ से निकली हुई है, ये लगभग 40 से 42वें वर्ष के अंदर, यहाँ कहें तो हाँ बिल्कुल 42 से 45 के बीच में एक अच्छा योग और आपको धन के आगमन का मिला होगा। तो इस प्रकार की भाग्य रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर होती हैं, तो बहुत अच्छे धन के आगमनों को दर्शाने वाली स्थिति आपके हाथ में है। तो कुल मिलाकर के यश की बात करें, सम्मान की बात करें, ऊंचाइयों की बात करें, राजनीति क्षेत्र में सफलता की बात करें, धन के आगमन की बात करें, तो वो प्रॉब्लम हाथ के अंदर कहीं भी नहीं है। तो ईश्वर प्रकार से वो चीज़ आपकी ठीक है, परंतु रोग की स्थिति वास्तव में खतरनाक वाली स्थिति आपके हाथ के अंदर मौजूद थी। तो चलिए ये मैंने आपको बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपकी शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत, और शुक्र पर्वत पर थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट इस शुक्र पर्वत की रेखा का केतु पर्वत से होकर के जाना भी है। जब इस प्रकार का संबंध बन जाता है, तो जो मैंने ऊपर पत्नी से संबंधित बात बताई थी, तो उसका यहाँ भी इशारा एक बार मिलता है कि हो सकता है कि आपको कहीं दूसरी औरत के साथ संबंध भी बनने के योग को दिखलाती हुई ये स्थिति यहाँ पर बताती है। शुक्र पर्वत अपने आप में बता रहा है कि सुख सुविधाओं की कोई आपके पास में कमी नहीं है। अब बात करूँगा आपकी मैं यहाँ पर आयु रेखा की। आयु रेखा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ भी बचपन से ही ऐसा नहीं है, आपके जीवन में यहाँ भी शुरुआत में ही जैसे शुरुआत होती है, तो ये शुरुआत के जीवन में भी आपको कुछ बीमारियों का यहाँ सामना करना पड़ा है। जो मैंने एक चिन्ह ये बनाया यहाँ पर 2019 में, ये अपने आप में दर्शाता है कि आपके जीवन के अंदर आपको किसी सर्जरी का सामना करना पड़ेगा। आगे की जो आप माइनर स्थिति में बात कर रहे हैं कि मुझे एक और सर्जरी का सामना अभी कराना है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से थोड़ा सा एक यहाँ पे हल्का सा इसी के पास में ये गैप करता हुआ सा जुगाड़ है। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी ऑपरेशन आप करवा लेंगे, और उसके बाद में सुचारू रूप से आयु रेखा की गणना जो होती है वो मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, इनका जोड़ लेकर के होती है। और यहाँ पर जब आपकी आयु रेखा की गणना करता हूँ, तो निश्चित रूप से यहाँ सपोर्टिंग रेखा एक साथ में लग गई है। यहाँ एक अंदर से सपोर्टिंग रेखा लग गई है, जो आपके जीवन के अंदर आप घबराए नहीं, निश्चित रूप से अभी हाथ के अंदर मैं कह सकता हूँ कि 77-78 वर्ष की आयु आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो निश्चित रूप से आप इन चीज़ से निकल जाएंगे और अच्छी लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दर्शाने वाली हृदय रेखा ने भी बताया कि आगे जो जीवन में 62 वर्ष के बाद का जीवन है, वो आपको ज़्यादा अनुकूल स्थितियों में है, रोगों से छुटकारा मिलने के लिए या सही अनुकूल स्थिति से चलने के लिए। तो इस प्रकार के संबंध जो रेखा हैं संबंधित, वो सब मैंने यहाँ हाथ में बोली और आपको बताया कि तो आपका बीमार हुए, सर्जरी हुई, कैंसर की, पेट की, ये सब चल रही हैं आपके जीवन में। अभी और भी सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद आप चिंता ना करें, आप अनुकूलता से इन चीज़ से निकल जाएंगे। क्या करें आप जो आप रोगों पर विजय प्राप्त कर सकें? मुझे धन की चिंता नहीं है, मुझे रोगों से निकलने की चिंता है। इसके लिए यदि मैं आपको जरूर कहूँगा, देखिए महामृत्युंजय मंत्र की माला का जाप, एक तो एक माला का जाप निश्चित रूप से अपने जीवन में रोजाना जोड़ लीजिए। दूसरा, साथ में देवी कवच अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच जो है उसे नित्य पूजा में शामिल कर लीजिए। बस ये दो पूजा करिए, आप अपने जीवन में सारे रोगों से निकल करके आपके जीवन में आप प्रगति रथ पर बैठ जाएंगे। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। नमस्कार।